ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास है किडनी का मॉडल और इससे हम समझेंगे कि किडनी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं बाहर की तरफ से दिखते हैं और जो अंदर की तरफ से हैं वो क्या क्या सुपरफिशियल हम देखेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये है किडनी, बीन शेप्ड रहती है किडनी। ठीक है, और जो हमारे जो रीनल रीजन है एब्डोमिनल में, वहाँ पर किडनी रहती है। ठीक है, दोनों लॉइंस में किडनी की पोजीशंस रहती हैं। ठीक है, ये किडनी जो रहती है बीन शेप्ड आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर की तरफ कॉनिकल मास दिख रहा है, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड, जो कि दोनों ही किडनी के ऊपर रहती हैं। ठीक है, अब किडनी जो है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 to 5 सेंटीमीटर्स रहती है, ये 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 टू 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, आउटर जो स्ट्रक्चर है इसका, ये फ्रंट से इसमें रिब से ये कवर्ड रहता है, जो लोअर 11th और 12th रिब होती है वो इसको ऐसे कवर करके रखती है और उसे शॉक से भी बचाती है और प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स रहती हैं और साथ ही जो किडनी रहती है वो पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है और इसीलिए इसे रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मीडियली ये जो पार्ट दिख रहा है ये हाइलम कहलाता है, ये कॉनकेव पार्ट हाइलम कहलाता है और हाइलम से जो बिग वेसल्स हैं जो कि सप्लाई करती हैं किडनी को, जैसे कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन और साथ ही लिम्फैटिक्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और साथ ही जो यूरेटर होता है वो भी यहाँ से इमर्ज होता है। ठीक है, तो किडनी में देखा हमने कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और मोटाई कितनी है। ठीक है, डार्क रेड कलर की ये होती है और बाहर से जो है 3 लेयर्स होती हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, एक तो होती है एडिपोज टिश्यू, ठीक, एक रीनल फेशिया होता है और कैप्सूल होता है। ठीक है, ये जो तीनों लेयर है, फाइब्रस कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल और रीनल फेशिया, ये किडनी को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है और शॉक एब्सॉर्बेंट होता है, यदि कोई ब्लो हो तो उससे ये किडनी को जो है प्रोटेक्ट करता है और सेव करता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड और ब्लू कलर की ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन है और ये जो येलोइश व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज यूरेटर। यूरेटर जो रहता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ट्यूब रहती है, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब रहती है जो कि यूरेटर बनाती है। यूरेटर जो है किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर से मिलता है। ठीक है, और जो यूरिन फॉर्म होती है किडनी में वो यूरेटर के ही द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, और जो किडनी रहती है उसका वेट जो है ये 120 टू 135 ग्राम होता है एडल्ट फीमेल में और 120 टू 170 ग्राम्स होता है एडल्ट मेल में। ठीक है, लेफ्ट और राइट किडनी में जो है लिटिल डिफरेंस रहता है, जो लेफ्ट किडनी है वो लिटिल हायर रहती है राइट किडनी की बजाय, राइट किडनी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक होती है, एक जैसी पोजिशन नहीं होती, जो लेफ्ट किडनी है वो लिटिल बिट हायर होती है। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हम देखेंगे किडनी का। ठीक है, ओके, तो आप यहां देख सकते हैं जो लिटिल बिट पिंक पीच कलर है, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ किडनी। जब हम अंदर से यदि किडनी को देखेंगे तो ये जो आउटर पार्ट रहता है ये रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, जो इनर पार्ट होता है जो येलोइश कलर का दिख रहा है वो रीनल मेड्यूला होता है। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स में पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका जो बेस होता है, ब्रॉड बेस, वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है। ठीक है, और जो नैरो एंड होता है वो मेडुला की तरफ होता है। ठीक है, जो रीनल कॉर्टेक्स होता है उसमें ये जो रीनल पिरामिड होते हैं, इसका जो नैरो एंड होता है वो मिलके और माइनर कैलिक्स बनाता है। 2 to 3 माइनर कैलिक्स जब मिलते हैं तो वो मेजर कैलिक्स बनाते हैं और मेडुला में ये मेजर कैलिक्स जो है ये पेल्विस बनाता है और रीनल पेल्विस फाइनली जो है वो यूरेटर बनाता है। ठीक है, इस प्रकार
जो नेफ्रॉन होते हैं वो ज्यादातर नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स में रहते हैं, और वहां से यूरिन फॉर्मेशन जो है वो यूरिन कलेक्ट होके माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाती है, और मेजर कैलिक्स से रीनल पैल्विस में जाती है। रीनल पैल्विस से जो है यूरिन कलेक्ट होके और यूरिटर में जाती है, और यूरिटर से फिर ब्लैडर में चली जाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसे आप याद रखें, रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स में रीनल पिरामिड, और माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स एंड पैल्विस। ठीक है, और जो आउटर कैप्सूल्स होते हैं, दोज आर फाइब्रस कैप्सूल, जो कि बाहर से कवर करके रखते हैं किडनी को, और फाइब्रस कैप्सूल, एडिपोस कैप्सूल, एडिपोस कैप्सूल जो कि फैट टिश्यू से बने होते हैं, वो काफी थिक लेयर होती है एडिपोस टिश्यूज की, और उसके बाद रीनल फेशिया। ठीक है, तो ये जो है इसे कवर करके रखते हैं, और जो किडनी है उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो कॉनिकल मास है, एड्रीनल ग्लैंड है, जिससे कि डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रेट होते हैं। ओके,